हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ्स ड्यूरिंग दिस कोविड-19। और आप सब अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक और राधा वी शुड से कि हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। और इसमें से जो है वो 12th क्लास में 40 मार्क्स का बाइफ्रिकेशन है। होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आएगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, कि इंडिया जो है व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, तो उस टाइम पीरियड पर इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसकी सिचुएशन कैसी थी। इंडिया के वहाँ पर हमारे यहाँ का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था। हम इस चैप्टर में रादर इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉयट किया बाय मेकिंग इट अ कॉलोनी फॉर 200+ ईयर्स। राइट, उस टाइम पीरियड पर जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर हुए, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और रादर ये कहा जाए कि ब्रिटिशर्स ने खुद को डेवलप करने के लिए इंडिया के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन किया। एक यूज़ करना और एक एक्सप्लॉयटेशन करना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस ना करके सभी सेक्टर्स को इक्वली, या रादर वी कैन से मतलब प्राइमरी सेक्टर के ऊपर कम फोकस दिया, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा था उसके ऊपर किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, किस तरह से उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को मिसयूज़ किया। और ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान सिर्फ एक चीज़ के ऊपर था, नहीं, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को क्या किया, एक्सप्लॉयट किया। और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स मतलब उसका ये रीज़न, उसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि आज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम आज़ाद हुए तो इंडियन इकोनॉमी वॉज इन अ वेरी बैड शेप, बहुत बुरी हालत थी हमारी। और नेक्स्ट सेज दैट द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग अ रॉ मटीरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। हम इसके बाद इस पॉइंट को हम बाद में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि इंडिया जो है, आपको आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस इन योर हिस्ट्री बुक्स, कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करता था अपने स्पाइसेस के लिए, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। मतलब बाहर के बहुत बड़े बड़े लोग या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी इंडिया से सिर्फ ये चीज़ ट्रेड किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे इंडियंस उनको ये चीज़ें। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को एक इम्पोर्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, कि जो कंट्री आज तक सबको एक्सपोर्ट किया करती थी जो सामान, वही सामान अब वो कंट्री एक इम्पोर्ट करेगी और अपनी कंट्री का जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करेगी।
क्यों ऐसा क्यों था? बिकॉज व्हेन इंडिया वाज अ कॉलोनी अंडर ब्रिटिश, तो ब्रिटेन में उस टाइम पीरियड पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फेज चल रहा था. मतलब उस टाइम पीरियड पे देयर वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन गोइंग ऑन इन ब्रिटेन. तो वहां पर उनको किस चीज की जरूरत थी? रॉ मटेरियल्स की, लेबर्स की, और वो सारी नीड जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी कॉलोनी से पूरा कर रहे थे. और इस चीज में इंडिया जो था वो भी क्या हुआ, वो उनके इस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का क्या बन गया, विक्टिम बन गया. बिकॉज ऑफ इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या रह गई, स्टेगनेंट. मतलब ग्रोथ जो थी हमारी वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई, राइट. हमारी जो ग्रोथ पहले थोड़ी बहुत हुआ करती थी व्हेन वी वर अंडर वेरियस डायनेस्टीज, लाइक मुगल डायनेस्टीज हम पर रूल कर रही थी उनसे पहले, तो उस टाइम पीरियड पर इंडिया की जो कंडीशन थी वॉज मच बेटर. लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद क्या हुआ, जो इंडिया की ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गई, और रादर हम लोग क्या हो गए, बैकवर्ड हो गए. मतलब किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं की गई हमारे लिए, हमारे लिए किसी तरह के कोई ग्रोथ के एफर्ट्स नहीं किए गए, किसी तरह से हमारे ऊपर हमें डेवलप करने के लिए कोई काम नहीं किया गया. जहां ब्रिटिशर्स को दिखता था हमारा बेनिफिट है, वो सिर्फ वही काम करने में बिलीव करते थे. ओके, ये चीज अब आपको इन फीचर्स में पता चलेगी कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट तो अलग अलग सेक्टर की या अलग अलग एरियाज की क्या क्या कंडीशन थी उस टाइम पीरियड पर. जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी थी वो स्टैगनेंट इकोनॉमी थी. ये वर्ड मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया. स्टैगनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, या अगर आप डिफाइन करना चाहो स्टैगनेंट का मीनिंग, तो इट मीन्स दैट देयर वॉज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम. मतलब जो लोगों की ग्रोथ, इनकम की ग्रोथ थी वो क्या थी, वो ऐसी थी या तो बिल्कुल थी ही नहीं, और जो थी दैट वाज ऑलमोस्ट नेगलिजिबल. कि आपको यही नहीं है कि आप जैसे कहते हो ना, आपकी पॉकेट मनी, सपोज आपके पेरेंट्स आपको हर मंथ देते हैं 500 रुपीज, लेकिन एक मंथ उन्होंने आपको दे दिया चलो आप 510 रुपीज ले लो, है ना. तो आपको क्या है, +10 तो मुझे मिल गया, बट व्हाट वुड यू से कि इस 10 रुपीज से मेरा क्या होगा, है ना. जो एक्स्ट्रा मुझे 10 रुपीज मिले हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू माई होल पॉकेट मनी. उससे मेरी पूरी पॉकेट मनी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो दैट वॉज अ लिटिल और ऑलमोस्ट नो ग्रोथ इन द इनकम. अगर आप डेटा या स्टैट्स की टर्म्स में बात करते हो, तो बिटवीन 1925 एंड 1950 जो इनकम की ग्रोथ थी दैट वॉज ओनली एंड ओनली 0.1%. अगर 0.1% को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, दिस मच. मतलब 0.001, सिर्फ इतना. और ये आप कहोगे ये तो कोई ग्रोथ है ही नहीं. जिसकी वजह से क्या था, हमारी कंट्री में पॉवर्टी वॉज प्रेवलेंट. मतलब लोगों की जब इनकम ही ग्रो नहीं कर रही है तो क्या होंगे, पीपल दे विल बी पुअर. जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा, बहुत ही लो रहेगा. और हमारे वहां पर क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के लोगों के, सिटीजन्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वेरियस काइंड ऑफ एपिडेमिक्स, मतलब बहुत सारी डिजीजेज हुआ करती थी जो बहुत लार्ज स्केल पर फैलती थी, तो उस तरह की डिजीजेज प्रेवलेंट थी, राइट. और लोग जो थे वो स्टार्व्ड रहा करते थे, भूखमरी का शिकार रहा करते थे. बिकॉज उनको क्या करना पड़ता था, अपने जो लैंड है उसका मेजर पोर्शन रेंट की फॉर्म में दे देते थे वो, और उनके खुद के पास खुद की नीड को पूरा करने के लिए बचता ही नहीं था कुछ, जिसकी वजह से क्या रह जाते थे, बोलो, स्टार्व्ड रह जाते थे. द सेकेंड पॉइंट सेज बैकवर्ड इकोनॉमी. अभी ये वर्ड हमने पढ़ा, बैकवर्ड इकोनॉमी. तो जब हम बैकवर्ड वर्ड की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम. और अगर बैकवर्ड है इसका मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है, राइट. हमारी कंट्री में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम.
और उस टाइम पीरियड पर ये जो पर कैपिटा इनकम थी ये भी बहुत कम थी. फॉर एग्जाम्पल इन 1947-48 जब हम इंडिपेंडेंट हुए एट दैट टाइम इट वॉज जस्ट ₹230. चलो ठीक है, पहले के टाइम में जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन रेट थी, वो कम थी, बट अगर आप इमेजिन करो 230 रुपीज, दैट इज नथिंग इन टूडेज वर्ल्ड. अगर 230 रुपये में अगर आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो शायद आपको एक टाइम का जो प्रॉपर खाना है वो भी नहीं मिलेगा. तो उस टाइम पीरियड पर हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा पुअर थी और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे को डेवलप करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए. एंड बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस व्हाट वॉज दैट, हमारी कंट्री में अगेन पुअर पॉपुलेशन या पॉवर्टी वॉज दैट. लोगों के पास बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ दैट इज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर वॉज नॉट देयर. जब लोगों के पास इनकम ही नहीं है, प्रोडक्शन, जब इनकम नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे. जब डिमांड नहीं है तो डेफिनेट है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से जनरेट होंगी. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की. वैसे तो स्टार्टिंग से ही कहा जाता है और आज भी यही कहा जाता है दैट इंडियन इकोनॉमी इज एग्रेरियन, राइट, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी इंडिया की अराउंड 72% जो पॉपुलेशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट. वो लोग जो काम किया करते थे, ज्यादातर अगर 100 पीपल आर वर्किंग तो उसमें से 72 पीपल दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. मतलब वो लोग काम कहाँ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी कंट्री में जो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर और उसका जो GDP कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 50% है. मतलब आप ये देखो 72% हमारी कंट्री के लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो उतना ही ज्यादा होना चाहिए ना उनका, लेकिन रियलिटी में दैट वॉज ओनली 50%. तो आप इमेजिन कर सकते हो हमारी इंडिया की सिचुएशन. अब ऐसा क्यों हुआ या ऐसे होने की वजह से क्या रहा? हमारी कंट्री में इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर प्रोडक्शन. मतलब हमारी कंट्री में जितना भी हम लोग क्या करते हैं, लैंड पर से प्रोडक्शन लेते हैं, तो 1 हेक्टेयर की लैंड से हमें कितना प्रोडक्शन मिलता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. और उस टाइम पीरियड पर दैट वाज जस्ट 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर और आज के टाइम जो है ये 3000 से भी ज्यादा है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी कंट्री में उस टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बैकवर्ड हुआ करता था. और सबसे बड़ा अगर आप बात करो जो एग्रीकल्चर सेक्टर की डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक हुआ करती थी दैट वाज सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दैट यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली फॉर योर पर्सनल नीड्स. मतलब आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो आप उससे क्या करोगे, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करोगे और अगर उसके बाद जो बच जाता है यू विल सेल दैट इन द मार्केट, राइट. और उस टाइम पीरियड पर आपको भी पता है प्रोडक्शन जब इतना कम था तो खुद की नीड ही पूरी नहीं हो पा रही थी उनकी, तो मार्केट में तो वो क्या सेल कर कर आएंगे. तो जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रह गया, बैकवर्ड ही रह गया. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट से इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. नॉट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज बैकवर्ड, इवन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज ऑल्सो बैकवर्ड. ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री को डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में होनी चाहिए हमारी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना. ये क्या करती है, ये ऐसे गुड्स बनाती है जो क्या करती है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है. जैसे ये ट्रैक्टर्स हो गए, बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई. अब उन मशीनों की हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं लेकिन हमारी कंट्री
कंट्री में यही इंडस्ट्रीज नहीं थी और ये गुड्स जो थी हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी फर्दर क्या होती जा रही थी, बैकवर्ड होती जा रही थी। दूसरी बात, अगर हमारी कंट्री में हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज तो चलो थी नहीं, लेकिन जो स्मॉल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो प्रेजेंट थी, उनको भी ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी कंडीशन कर दी उनकी कि वो भी क्या हो गई, वाइंड अप हो गई। वी विल टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड देम लेटर इन दिस चैप्टर। उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो ये स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी हमारी, वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। तो जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो कैपिटल गुड्स बोला जाता है उनको, जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और हमें ये वाली जो प्रोडक्शन के लिए गुड्स थी, ये हमें कहाँ से, ब्रिटेन से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो डेफिनेट है हमारे यहाँ से पैसा क्या होगा, ब्रिटेन में चला जाएगा। और ब्रिटिशर्स को ये था, जब उनके कंट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ पर हो रही है तो इंडिया में ये प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसीलिए हमारी कंट्री में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम किया ही नहीं गया। नेक्स्ट पॉइंट से इज रैम्पेंट पॉवर्टी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंस आर इकोनॉमी वॉज स्टेग्नेंट एंड बैकवर्ड, तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था, जॉब्स नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था, देवर पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट था, इलिटरेसी। इलिटरेसी आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ा होगा शायद से, कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडियंस को पढ़ाने लिखाने में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनको था कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो इनको अपने राइट्स के बारे में पता चल जाएगा, और अगर इनको अपने राइट्स के बारे में पता चल गया तो ये हमारे को ही क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे हमारे अगेंस्ट। तो इसीलिए वो हमें क्या करते थे, अगर जॉब भी प्रोवाइड करते थे या उन्होंने हमें एजुकेशन भी देनी स्टार्ट करी थी, तो बहुत लो लेवल की दिया करते थे, और सिर्फ उतनी ही दिया करते थे जितनी उनको जरूरत है। लाइक अगर उनको हमें क्लेरिकल जॉब्स पर रखना है तो बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें सिर्फ हमें उन चीजों को मैनेज करना सिखाया जाएगा। जब हम इलिटरेट ही नहीं होंगे तो हमें स्किल्ड जॉब्स मिलेंगी ही नहीं, तो डेफिनेट है हम लोग पुअर रह जाएंगे। तो लोगों के पास क्या नहीं था, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दे डिड नॉट हैव, दैट इज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान किसी के पास नहीं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपको पता है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या है, जैसे आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉन्टैक्ट करते हो, आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है, राइट, आपके यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन कितना है, पावर का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। और हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर ये सब चीज़ें जो थी वो अंडर डेवलप्ड थी, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स को नीड फील होती थी वहाँ वहाँ पर डेवलपमेंट कराई जाती थी, अदरवाइज सब चीज़ें क्या थी, बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट में थी। इस ये एक एक पॉइंट को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था एक रॉ मटेरियल के सप्लायर के फॉर्म में। रॉ मटेरियल तो हम क्या करते थे, सप्लाई करते थे, और फिनिश गुड्स जो थे हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट किया करते, और यू कैन से इसको एक्सपोर्ट किया करते थे और इसको इंपोर्ट किया करते थे। और यहाँ पर हमारी कैपिटल गुड्स भी आ जाएंगी, जो अभी हमें प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। तो ये कहते हैं कि इंडिया जो था उसको ब्रिटिशर्स ने ऐसा बना रखा था कि हमारी कंट्री में मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स भी हमें क्या करने पड़ते थे, ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पड़ते थे, डिफेंस इक्विपमेंट्स हमें उनसे बाय करने पड़ते थे, और कहीं कहीं तो ऐसी चीज़ें थी जो हमारी कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो क्या होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर कंजम्पशन पर्पस के लिए बाय करता है, वो चीज़ें भी हम लोगों को ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल ऑयल हो गई, बाइसिकल्स हो गई, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडियंस जो थे उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी ब्रिटेन ने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा था। नेक्स्ट पॉइंट से इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, जैसे कहते हैं ना, एक कंट्री के
अर्बन सेक्टर से पता चलता है कि वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि एक अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर में फैसिलिटीज का ही तो डिफरेंस होता है ना। जितना ज्यादा एक कंट्री जो है वो अर्बन होगी, इसका मतलब वहां पर लोगों को क्या है, फैसिलिटीज बहुत जल्दी अपने नियर बाय एरियाज में मिल रही हैं। लेकिन व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, ओनली 14% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में रिजाइड करती थी, और जो रूरल पॉपुलेशन थी वो बची हुई 86% में रिजाइड करता था। अब डेफिनेट है, अगर रूरल एरिया में आप लोग रह रहे हो तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही हम लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ के लोगों के पास आउटसाइड एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, और जिसकी वजह से क्या हो गया, पॉवर्टी वॉज प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट से इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। जैसे आपको पता है, इंडिया जो है ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब ना तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा प्राइवेट सेक्टर का लगा हुआ है, ना तो पूरी तरह से फ्यूडल इकोनॉमी है, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। दैट इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर विच वी आर फॉलोइंग, राइट। तो हमारे यहाँ पर फ्यूडल और कैपिटलिस्ट मॉडल का आपको मिक्सचर मिलेगा। अब देखो, जहां पर भी क्या आता है, प्रॉफिट अर्न करने की बात आती है, वहां पर तो कैपिटलिस्ट मॉडल आ जाता है, और जहां पर भी सोशल वेलफेयर की बात आती है वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। और आपको भी पता है, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर की बात आ जाती है वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, करप्शन है, पिल्फरेज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी हुई हमारी कंट्री में। मतलब हमारे यहाँ का प्रोडक्शन जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि हमारी नीड्स को पूरा किया जा सके। ऑल्सो वी वर बैकवर्ड, हम लोग क्या रह गए, बैकवर्ड ही रह गए, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो बाहर से, ब्रिटिशर्स ने हमें किसी भी तरह से क्या नहीं कर रखा था, बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो हम क्या रह गए, बैकवर्ड ही रह गए। एंड द लास्ट पॉइंट सेज कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनी तो आपको पता ही है क्या होती है, या इंडिया जो है वो एक ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, बहुत तरह से हमारी कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जैसे उन्होंने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर रखा था, रेगुलेट कर रखा था, कैसे, टैक्सेस लगाकर। हम लोग डिटेल आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने टैक्सेस लगाकर हमारा क्या किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था। जैसे कि अगर हमारी कंट्री से ब्रिटेन में कोई भी गुड सप्लाई की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब किसी चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो डेफिनेट है उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगेगा तो जो प्रोड्यूसर है या जो सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, वो अपना प्रॉफिट तो चार्ज करेगा, लेकिन जब उसको पता है कि मेरे ऊपर किसी तरह का टैक्स ही नहीं लगा है तो क्या होगा, वो चीज़ वहाँ पर सस्ती बेचेगा, और सस्ती बेचेगा तो डेफिनेट है कि वहां के लोग उस चीज को बाय करेंगे। और इसी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने यहां से इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, किसका, रॉ मटेरियल का। और इसी तरह से वहां से क्या हुआ, जो फिनिश गुड्स आए करते थे उसके ऊपर भी उन्होंने जो ड्यूटी थी या टैक्सेस हुआ करते थे वो भी क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो जिसकी वजह से हमारी इंडिया में ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ गई, और जो हमारी डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। ओके, सो दैट वॉज द टॉपिक, और दैट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो किस हालत में थी, इन पॉइंट से हमें पता चलता है। अब एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो अभी इस साल एग्जाम में भी पूछा गया था, नॉट लाइक इस मैनर में, ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था। सो आपको इकोनॉमिस्ट के नेम बताने हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। मतलब सबसे पहले किन्होंने
कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था? तो बहुत सारे नेम्स इसमें सामने आते हैं, लेकिन याद रखना ब्रिटेन ने ये एफर्ट्स नहीं किए थे, ये एफर्ट्स किए थे इंडियंस ने। तो दादा भाई नौरोजी इज दैट, VKRV राव हैं, RC देसाई हैं, इसके अलावा एक दो नेम और हैं, आई थिंक विलियम डिग्बी हैं। तो इसमें से जो एक्यूरेट जिनका डेटा माना जाता है वो है VKRV राव। इन्होंने कहा था इन या इनके अकॉर्डिंग जो GDP ग्रोथ रेट थी हमारी उस टाइम पीरियड पर थी अराउंड 2% पर एनम, और जो पर कैपिटा आउटपुट की हमारी ग्रोथ रेट थी दैट वाज अराउंड 0.5% पर एनम। तो आप देख सकते हो इंडिया जो था वो उस टाइम पीरियड पर कितना बैकवर्ड और कितनी बुरी कंडीशन में था, राइट? और ये चैप्टर जो है हमें इसी चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। होप आपको आज का जो लेक्चर है, आज का डिस्कशन है, वो समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम जो है मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूं। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।